हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी जो हम अपने घर में बनाते हैं, जो काफ़ी डिलीशियस एंड टेस्टी होगी। ये रेसिपी बहुत ही कॉमन और पॉपुलर रेसिपी है। इसे बनाने के सबके तरीके अलग अलग होते हैं, आप एक बार हमारे तरीके से बनाइए। इसके लिए हमने आधा किलो फूल गोभी ली है, जिसे हमने धोकर काट लिया है। अब मसाले लेंगे, दो टमाटर, दो प्याज, कुछ हरी मिर्चें और एक अदरक का टुकड़ा, 8-7 कली लहसुन की। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम सरसों का तेल लेंगे। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए, इसमें हम गोभी डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से गोभी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए हम फ्राई करके बनाएंगे। इसे हमें पलटते पलटते हुए चलाना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब कलर चेंज हो चुका है, हमें ऐसी ही गोभी चाहिए। अब ये फ्राई हो चुकी है फ्रेंड्स, इसे अब हम निकाल लेंगे। एक प्लेट में हमने आलू लिए हैं काट कर 250 ग्राम, इन्हें भी हम इसी तेल में फ्राई करेंगे। आलू को भी हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। आलू भी फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। इसी तेल में हम जीरा डालेंगे। जब जीरे का कलर चेंज हो जाए, तो इसमें हम एक चुटकी हींग डालेंगे, 2-3 तेज पत्ते ऐड करेंगे। हमने जो मसाले लिए थे, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इसका हमने पेस्ट बना लिया है, इसे हम भूनेंगे। अब इस जब ये मसाला भुन जाए, इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लिया है फ्रेंड्स। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। इन मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, हमने टमाटर की प्योरी बना कर रखी थी, अब इस जब ये मसाला भुन जाएगा तो हम टमाटर की प्योरी ऐड करेंगे। अब इसे भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। हमने फ्रेंड्स कम तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो आलू गोभी फ्राई किए थे उसके अंदर उसने काफ़ी तेल एब्जर्व हो गया था। अभी गोभी ऐड करेंगे इसमें मसाले में, इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे मसाले के साथ। आलू गोभी का जो तेल है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, इसलिए हमने तेल कम ऐड किया था। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए गोभी का, मसालों के। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, पानी आप अपना उसके अनुसार ऐड करें, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। इसमें हमने 1/2 गिलास पानी ऐड किया है। इसे हमें चलाते हुए हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ताकि गोभी घुटे ना, अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद फ्रेंड्स हम गोभी को चेक करेंगे। गोभी, आलू गोभी पककर तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया से इसे गार्निश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आलू गोभी की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे पूरी के साथ, परांठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं।